हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ ये मेकअप लुक शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने ये लुक क्रिएट किया है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो जस्ट यहाँ पे फेस को मैंने बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है और इसके बाद अब मैं यहाँ पे प्राइमर लगाना स्टार्ट करूँगी। और प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। तो आपके पास कोई भी प्राइमर हो या फिर एलोवेरा जेल हो, आप उसे अप्लाई करिए, क्योंकि ये नाइट मेकअप है। तो इसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा फाउंडेशन है वो अच्छे से सेट हो जाए और बिल्कुल भी पैची ना लगे। तो बहुत ही जेंटल हैंड से आपको इसे अपने फेस पे रब करते हुए लगाना है। और नेक को मत भूलिएगा, अपने एयर को मत भूलिएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का ऑर्गन ऑयल सीरम फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि ये जो फाउंडेशन है, सीरम फाउंडेशन है, ये विंटर्स के लिए बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन है। ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज तो नहीं देता है, लेकिन अगर आप को हाई कवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी दो लेयर लगाइए। मुझे उतना ज़्यादा हाई कवरेज नहीं चाहिए, तो इसकी मैं एक लेयर ही अप्लाई करूँगी। और बहुत अच्छे से ये जो है ब्लेंड होता है, बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। तो जस्ट आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर हो या स्पॉन्ज हो, उसे आपको गीला करना है। देन बहुत ही डैप करते हुए इसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ब्लेंडिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डैप डैप करते हुए, यानी कि जो मतलब कहने का मतलब है कि जो भी पॉइंट, और पॉइंट इसलिए रखे जाते हैं कि जहाँ पर रखा है वो वहीं पर अच्छे से सेट हो जाए, आपको फाउंडेशन फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। आईज़ के नीचे, आईज़ के ऊपर, सब कुछ। और ईयर्स को बिल्कुल मत भूलिएगा, नेक को बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से आपको अपना जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। फाउंडेशन अब ब्लेंड हो चुका है, तो अब बारी आती है आपके कंसीलर की। और फाउंडेशन मैं इसलिए पहले लगाती हूँ ताकि जो कवरेज मुझे फाउंडेशन से नहीं मिल रही है वो कवरेज मैं अपने कंसीलर से देती हूँ। यहाँ जहाँ जहाँ मुझे स्पॉट्स लगते हैं, तो मैं अपने अंडर आई एरिया में और अपने फेस के उभार्स को थोड़ा सा और अच्छा सा यूनिक लुक देने के लिए मैं नोज़ पे, क्यूपिड्स पे, फोरहेड पे अच्छे से इसे अप्लाई करूँगी, ताकि जितने भी मेरे उभार्स हैं वो अच्छे से निखर के आएँ। और ये जस्ट एज अ हाइलाइटर, हाइलाइटर मैं बाद में भी यूज़ करूँगी, लेकिन अभी फेस के बेस में एक हाईलाइट देने के लिए, उन उभार्स पे एक हाईलाइट देने के लिए मैं प्राइम हमेशा कंसीलर का यूज़ बाद में करती हूँ। और जिनको भी ज़्यादा डार्क की प्रॉब्लम हो, फेस पे ज़्यादा दाग धब्बे हो, वो कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। एले गर्ल्स का बहुत अच्छे कलर करेक्टर आते हैं, हर तरह की ग्रीन, ऑरेंज, रेड, मतलब हर तरह के कलर करेक्टर उसके आते हैं। तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो जो मैं कंसीलर से हाइड कर लेती हूँ और मुझे कहीं भी इतने दाग धब्बे नहीं हैं। तो अब सेम स्पॉन्ज से आपको डैब डैब करते हुए इसे भी सेट करना है। और जहाँ जहाँ आपने लगाया है अच्छे से सेट करिए, ताकि जो है आपका ये जो कंसीलर है ये भी बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब सारे मेकअप को सील करने के लिए मैं यहाँ पे मेबिलीन का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी पाउडर ना हो तो जो नॉर्मल वाइट पाउडर आता है, वाइट टोन, या कुछ किसी भी तरह से, मतलब ड्राई चीज़ों से आपको अपने फेस को बहुत अच्छे से मेकअप को लॉक करना है, ताकि बिल्कुल भी कोई भी हार्शनेस ना आए। कोई भी अभी मैं जो आई शेडो यूज़ करूँगी उसमें कोई जो है वो हार्शनेस ना आए, या फिर कोई भी लाइन ना दिखाई दे। तो इस तरह से मैं अपने फेस को लॉक करूँगी, अपने फेस के जो भी बेस मेकअप है,
और अब बारी आती है हमारे जो आईब्रोज़ की। फ्रेंड्स, आईब्रोज़ में ब्लैक कलर मत यूज़ करा करिए, उससे आपके आईब्रोज़ को एक फेक लुक मिलता है। हमेशा मैं ब्राउन कलर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं जो मेरे पास ब्राउन कलर का एडियस का एक पड़ा हुआ था ऐसे ही काफ़ी दिनों से बेकार जेल आईलाइनर, उसे मैं एज अ आईब्रो फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ हमेशा से। मेरे पास एक कट क्रीज का छोटा सा ब्रश है, ये आईब्रो फिल करने ही वाला है, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। तो अपने आईब्रोज़ को फिल करिए, देन उसके बाद जो इसका एक ब्लेंडर आता है आईब्रोज़ को ब्लेंड करने वाला, उसे अपने आईब्रोज़ को ब्लेंड करिए ताकि आपके आईब्रोज़ को एक ओरिजिनल लुक मिले। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है आपके आईज मेकअप की। तो यहाँ पे मैं एक फ्लैपी ब्रश यानी कि ब्लेंड ब्रश लूँगी, और क्योंकि मेरी जो साड़ी और ब्लाउज का कलर है वो वाइट एंड रेड का मिक्स है, तो मैं आज यहाँ पे गोल्ड और रेड का मिक्सर करूँ जो मिक्स करूँगी अपने आईज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेस है वो रेड का करूँगी, तो अपने ब्रश पे रेड कलर लेके उसे डस्ट करते हुए, उसका एक्स्ट्रा कलर डस्ट करते हुए अपने आईब्रोज को थोड़ा थोड़ा कलर डिपॉजिट करिए, वरना एक साथ अगर डिपॉजिट करेंगे तो आप उतना अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा थोड़ा थोड़ा कलर ही लेते हुए अपने आईज पे कलर डिपॉजिट करिए और उसे ब्लेंड करते चलिए ताकि कलर एक साथ ज़्यादा ना आए और ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाद एक पेंसिल ब्रश लूंगी और उसमें फिर रेड कलर अप्लाई करके इनर कॉर्नर के आईज पे वही रेड कलर का फुल बेस दूंगी, यानी पूरी आईज पे मुझे रेड कलर का एक बेस देना है। मतलब मैं दो दो कलर या आई शेडो के यूज करूंगी, एक रेड एंड देन उसके बाद गोल्डन। तो फुल आईज पे पहले रेड कलर, वही मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कलर डिपॉजिट करेंगे तो इसे एक साथ नहीं आएगा, और फिर उसके बाद आपको जो फ्लफी ब्रश है या ब्लेंडर ब्रश है उसे अपने जो आईज मेकअप को ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप में, वो चाहे फाउंडेशन की हो, वो चाहे कंसीलर की हो, या फिर आई शेडो की हो, या कंटूरिंग की हो, किसी भी चीज़ की ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है ताकि फेस को एक ओरिजिनल लुक मिले। और अब मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ले रही हूँ जो मेरे आई शेडो पैलेट में है, उसे मैं फुल पूरे आईज पे लगाऊंगी। मैंने आपको बोला कि दो ही कलर यूज़ कर रही हूँ, तो गोल्डन कलर को लेके फिर उसे ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी ताकि दोनों कलर अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। Thank you.
अब बारी आती है आई शेडो की, और आई शेडो मैं यहाँ पे पेंसिल जो सॉरी आई लाइनर की, तो मैं पेंसिल आई लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये मेरा फेवरेट है। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा बचा है, मेरे पास एक और रखा है, तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं ऐसा यूज़ करूँगी, यानी कि वाटर लाइन पे और ऊपर आई लाइनर के इस जगह पे, मैं दोनों ही यही यूज़ करने वाली हूँ। वन स्ट्रोक है, कोल ब्लैक है, मतलब हर तरह से ये परफेक्ट है। और इसे मैं अप्लाई करूँगी, हल्का सा एक बाहर मैं इसकी एक नोक दूंगी, फुल विंग भी नहीं दूंगी, यानी कि फुल विंग तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एक हल्का सा नोक मैं बाहर दूंगी, तो इस तरह से। और इसे फिर सेट करूंगी विंग लाइनर की तरह, और इसे मैं वाटर लाइन पे भी अप्लाई करूंगी ऐसे ही, बहुत अच्छे से एक बार में ये सेट हो जाएगा। और इस काजल को लॉक करने के लिए, यानी कि मान लीजिए आपकी आँख में पानी आ जाए तो ये स्मच ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो रेड वाला आई शेडो है इसे ब्रश में लेके आपको जो है वो इसे सेट करना है, यानी इसके ऊपर एक स्ट्रोक दे देना है, ताकि इससे क्या होगा, आपका चाहे आइस में पानी आए कुछ भी आए, ये आपका बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा, एक जगह रहेगा और स्मच प्रूफ हो जाएगा। वैसे तो ये काजल स्मच प्रूफ है, लेकिन पूरी तरह से स्मच प्रूफ हो जाएगा। कॉर्नर को भी बिल्कुल फिल कर दीजिए, ताकि कहीं से भी कोई वो चीज़ ना आए। और अब मैं इस ब्रश में, जो कट वाला ब्रश होता है, इसमें हल्का सा रेड कलर लेके इस काजल को लॉक कर रही हूँ। इसी तरह आप अपने आईलाइनर को भी लॉक कर सकते हैं, इसी तरह आप अपने काजल को भी लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना काजल लॉक करूँगी, और मैं फॉल्स आईलैशेस भी यार लगाऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर इस वीडियो में दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है, और मुझसे बहुत से लोगों ने बोला था कि प्लीज़ वीडियो को फास्ट मोड पे मत डालिए, ऐसे हमें समझ में नहीं आता है। तो आईलैशेस मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, तो उस पर बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला एक्स्ट्रा कर्ल मस्कारा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लगाऊंगी, देन उसके बाद मैं जो है वो फॉर्स आई लैशेज लगाऊंगी, देन उसके बाद मैं फिर उसको मस्कारा लगाऊंगी, ताकि जो दोनों पलके हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। ऊपर नीचे दोनों एक साथ लगा लीजिए, देन उसके बाद फिर आपको जो है वो आई लैशेज लगानी है। फॉर्श आई लैशेज हैं, और ये इसका ग्लू है, जो बेस्ट ग्लू है, मतलब कि इसे चिपकाने के लिए। और अब मेरी दोनों आईज़ का मेकअप भी हो चुका है, और अब मैं जो है वो कंट्रोल करूँगी, बहुत लाइट सा कंट्रोल करूँगी, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं। तो जो आपके आई शेडो पर, अगर आपके पास कंटोरिंग हो तो वो लीजिए, या फिर अगर आपके पास ब्राउन लिप कलर हो तो वो लीजिए, या फिर आपके आई शेडो पैलेट में कोई ब्राउन कलर हो आपकी स्किन से डार्क कलर का, वो लीजिए, और उसे पूरे फेस, नोज़, जहाँ भी आपको लगता है कि आपको एक शार्पनेस देनी है, वहाँ पे आप इसको ब्लेंड करिए अच्छे से। लिप कलर अप्लाई करूँगी, और यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लिप कलर से लिप को एक शेप दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे एटीट्यूड की जो एमवे की एक रेंज आती है उसकी मैं लिप कलर यूज़ कर रही हूँ, और ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, तो वो मैं अप्लाई करूँगी। और ये देखिए एटीट्यूड की एमवे की रेंज है, और देन लास्ट में माई फेवरेट मैं जो है हाइलाइटर का यूज़ करूँगी, ये पूरा ऑप्शनल है, लेकिन हाइलाइटर से जितने भी उभार्स हैं बहुत अच्छे से शो होते हैं, और नाइट मेकअप में तो आपको हाइलाइटर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, इससे क्या होगा कि आपके फेस को एक बहुत अच्छा सा ग्लो मिलेगा। और अब मैं जा रही हूँ फॉल्स आईलैशेस लगाने, और फिर मैं आपको एक फुल कंप्लीट तैयार होकर लुक दिखाती हूँ कि मैं कैसे रेडी हुई हूँ।
तो वो दिखाती हूँ। और अगर कुछ भी कहीं आपको फेस पे लग रहा हो तो उसे आप क्लीन कर सकते हैं। और ये मेरा फाइनल मेकअप है और ये मेरा आईज मेकअप है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितना इजी है इसे क्रिएट करना। और जस्ट मैंने फॉल आईलैशेस भी लगाई हैं। और अगर इसका ट्यूटोरियल आप बोलेंगे तो मैं बहुत ही जल्दी इसका ट्यूटोरियल भी बनाऊंगी। तो अगर ये लुक पसंद आया हो तो इसे भर भर के लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।